जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल से पिछले कुछ वर्षों में यूपी टेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि हम आपको आगे कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बायोडीजल डीजल की ही तरह एक ईंधन होता है जिसमें वायु प्रदूषण कम होता है। चलिए एक एक पॉइंट करके जानते हैं। पहला पॉइंट इस प्रकार है, जैविक स्रोतों से प्राप्त और डीजल के समतुल्य एक ईंधन है। बायोडीजल बनने की प्रक्रिया ट्रांसस्टरीकरण कहलाती है तथा यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है तथा भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाड़ा में, जो कि आंध्र प्रदेश में एक जिला है, में सीएज नाम से स्थापित है। और आगे हम जानते हैं, जेट्रोफा, पैग्निया, सूरजमुखी, मूंगफली आदि से बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं यूपी टेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यूपी टेट के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। 2016 यूपी टेट में पर्यावरण में निम्नलिखित में कौन सा बायोडीजल फसल है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके विकल्प आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। जेट्रोफा जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है, बिल्कुल सही उत्तर जेट्रोफा है। यूपी टेट के सभी प्रश्न पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।